हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज। आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज पर। सो गाइस, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओमान जॉब्स के बारे में आपने टाइटल एंड टैक्स थंबनेल से देख लिया होगा कि उस पर सारी चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ कि क्या हमारा टॉपिक रहेगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये वीडियो आपके काम की है या नहीं है। ओके, सो गाइस, आज का टॉपिक आपने जान लिया, ओमान जॉब्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो एंड पहली बार हमारी वीडियो को व्यू कर रहे हो, देख रहे हो, तो गाइस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, ऑल बटन दबाना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुंचे। बेसिकली हमारा वर्क यही रहता है कि हम आपको जॉब दिला सकें, वेदर कोई भी कंसल्टेंसी से कंसल्ट करवा के आपका वर्क करवाएं या अपने थ्रू करवाएं। बस हमारा जो मेन मोटिव है वो है आपकी हेल्प आउट करना, एंड आपको हर एक कंट्री की टूरिज्म न्यूज़, पीआर न्यूज़, सिटीजनशिप की न्यूज़, काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ेस होती हैं जो हमारे पास आती हैं। अभी हाल ही में अगर आप देख लो तो काफ़ी ज़्यादा जगहों का, कंट्रीज़ का वीज़ा बंद है, अभी नहीं हो रहा है इमिग्रेशन, तो वो भी जितनी भी सारी न्यूज़ जो हैं वो मैं कवर अप करता हूँ अपने इस चैनल पे। ओके, सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस, अगर आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो गाइस वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखना। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओमान जॉब्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करूँगा कौन कौन सी पोस्ट है हमारे पास जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट पोजीशन जो है हमारे पास डचमैन की है, इंसुलेटर की है गाइस, पाइप फिटर की है, प्लम्बर की है एंड इलेक्ट्रीशियन। फिर से रिपीट करता हूँ, डचमैन की है, इंसुलेटर की है, पाइप फिटर की है, इलेक्ट्रीशियन की है एंड प्लम्बर की है। ये पांच ऐसी हमारे पास रिक्वायरमेंट हैं, जॉब पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं ये गेस कर सकता हूँ कि अभी काफ़ी सारे ऐसे बंदे होंगे जो कि इस कैटेगरी में होंगे बट अभी तक के अप्लाई नहीं कर पाए होंगे। इस वजह से अगर कहा जाए तो बहुत सारी वजहें होती हैं कि सैलरी अच्छी नहीं होती, अलाउंस नहीं मिलते, तो काफ़ी सारे सूटेबल थिंग्स होती हैं जिसकी वजह से आदमी नहीं कर पाता है अप्लाई। तो गाइस यहाँ पर कुछ नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात गाइस जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, जो कि बहुत ही आपको अच्छी लगेगी, कि गाइस ये एकदम फ्री वीज़ा है। ओके, आपको कोई भी कंसल्टेंट चार्ज नहीं देना है, आपको कोई भी वीज़ा का चार्ज नहीं देना है, आपको वर्क परमिट का चार्ज नहीं देना है। सो गाइस आप एकदम मुतमईन हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेंगे इन 5 पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। ओके, पोस्ट मैंने बता दी, सैलरी बताता चलूँ आपको गाइस, सैलरी जो है वो 90 ओमानी रियाल से 150 ओमानी रियाल आपकी सैलरी रहेगी। 10 आवर्स की ड्यूटी रहेगी, प्लस ओवर टाइम आपको मिलेगा, ओवर टाइम करना हो करो, अगर नहीं करना है तो गाइस ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, एंड देन आता है हमारे पास अलाउंस का पार्ट, के भाई अलाउंस में क्या क्या हमें मिल रहा है। सो गाइस एकोमोडेशन आपको मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, एंड गाइस फूड जो है गाइस वो आपका सेल्फ करेगा। ओके, बेसिकली सेल्फ क्या कहा जाए, आपके साथ भी काफ़ी सारे बंदे होंगे जो आपके होमीज होंगे वहाँ पर, जो आपके साथ एकोमोडेशन शेयर करेंगे, आप सभी मिलके एक साथ फूड रेडी कर सकते हो, तो यहाँ पर कम खर्चा आएगा, थोड़ा थोड़ा लगा के सब कर ले जाओगे। ओके, सो यहाँ पर भी पैसा बचेगा, ये ना सोचना कि फूड सेल्फ है तो कहाँ से क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिल के जुल के काम करना, तो इससे ये रहेगा कि आपका कम खर्चा होगा। ओके, एंड ज़्यादातर हर जगह ही ऐसा होता है कि सब जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो एक पार्टी में होते हैं तो वो यही करते हैं। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन थी। आपकी जो एज है गाइस, एज क्राइटेरिया सुन लो, कि एज क्राइटेरिया जो है वो 25 to 35 होना चाहिए अबव के कैंडिडेट्स, एंड लेस देन 25 कैन नॉट अप्लाई। ओके, जो 25 साल से नीचे हैं या 35 के अबव हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो सॉरी गाइस, अगर आप 25 से लेस हो या 35 के अबव हो, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, सॉरी। एंड गाइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास अपना ट्रेड टेस्ट होना चाहिए। बेसिकली सेवरल कंपनीज हैं ऐसी जो कि आपको ये ट्रेड टेस्ट प्रोवाइड करती हैं। अगर अब तक ही नहीं करवाए हो तो गाइस आप गूगल पे सर्च करना ट्रेड टेस्ट कंपनी, तो वहाँ पर जाके आप अपना ट्रेड टेस्ट करवाओ। वहाँ पर आपको यूजुअली आपसे बोला जाता है, सिंपल वर्क करवाए जाते हैं जिसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो गाइस वो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, वो आपके पास होना चाहिए। ओके, एंड गाइस आपके पास जो है इस मतलब
अगर यूँ कहा जाए तो ये लाइन में वेदर कोई भी लाइन हो, ये जैसे मैंने बताई आपको पांच कैटेगरीज बताई, पांच लाइनें बताई, तो इन सब में हमें बंदे वो चाहिए हैं जिनके पास 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, ओके। जो भी बंदों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपका और ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा आपकी सैलरी को बढ़ाने में, क्योंकि बेसिकली मैंने 90 से 150 ओमानी रियाल बताया। तो ये है, यहाँ पर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा एंड स्काइप इंटरव्यू होगा, ओके। उसके बेसिस पे आपकी सैलरी जो है वो सेट की जाएगी कि भाई इस बंदे को इतनी सैलरी देना चाहिए, क्या कैपेबिलिटी है, क्या आपको आता है, क्या नहीं आता है, सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद आपकी सैलरी डिसाइड होगी, ओके। सो गाइस 45 डेज की प्रोसेसिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले रखा है, क्योंकि गाइस बेसिकली होता ये है ना कि कोई भी बंदा होता है वो अगर उसका काम नहीं हो पाता है, अगर मैं भी हूँ, अगर मैं आपसे काम कर रहा हूँ तो भी मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगा अगर ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड ज़्यादा टाइम की अगर बात करी जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 45 डेज़ की प्रोसेसिंग है। एंड इनकेस अगर इन 45 डेज़ में अगर आप अगर मेरा काम ना कर पाओ तो मैं भी गुस्सा होऊंगा, ऐसे यही हमारा ह्यूमन नेचर है गाइस। बट इसीलिए हमने आपसे 45 डेज़ का मैक्सिमम टाइम लेके रखा है ताकि हम अच्छे से आपका वर्क कर सकें एंड आप भी पेशेंस रखो, ओके। एंड गाइस डॉक्यूमेंटेशन में क्या नीडेड है वो जान लो, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए रहेगा गाइस, ओके, विद वाइट बैकग्राउंड, पासपोर्ट स्कैन कॉपी कलर में रहनी चाहिए फ्रंट एंड बैक की गाइस, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए दो की आपका 2 साल का, अगर इन केस अगर आपने 1 साल एक कंपनी में काम किया एंड सेकेंड ईयर आपने दूसरी ईयर में काम दूसरे साल आपने दूसरी कंपनी में वर्क किया तो भी कोई बात नहीं, हमें टोटली 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए वेदर आपने कहीं भी किया हो, ओके। उससे मतलब नहीं है कि आपने कहाँ से एक्सपीरियंस होल्ड किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका टोटल जो एक्सपीरियंस है वो आपका 2 ईयर्स का होना चाहिए। बेसिकली यही है हमारी इंफॉर्मेशन, ओके। एंड मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए कि आपका क्या क्या लगेगा, पासपोर्ट स्कैन कॉपी फ्रंट एंड बैक, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आपका 2 साल का होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद अ वाइट बैकग्राउंड, ओके, एंड आपका ट्रेड टेस्ट की जो है वो स्कैन कॉपी होना चाहिए। एंड गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी मैंने आपको बताए हैं इनको एक फॉर्मेट में डालकर भेजना, ओके, मतलब लाइन बाय लाइन लगाना हर एक चीज़ को, पहले अपना पासपोर्ट लगाना, फिर फोटो लगाना, अपनी पिक लगाना, ओके, देन उसके बाद अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना, देन उसके बाद अपना ट्रेड टेस्ट लगाना, एंड जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आपके इस वर्क के रिलेटेड हों आप सब भेज देना, क्योंकि अच्छा रहेगा, इससे आपका इम्पैक्ट जो है अच्छा रहेगा, ओके। एंड अगर 2 साल से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है आपको तो कोई बात नहीं, आप वो भी भेज सकते हो, इससे और अच्छा आपका इम्प्रेशन पड़ेगा, ओके। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, कंपनी आपसे करवाएगी, ओके। सो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो मुझे आज आपको देनी थी, एंड मैंने फुलफिल कर दिया आपकी इस नीड को, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों की ऐसी हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे एंड जीमेल आईडी पे हमारे ईमेल आ रहे थे कि सर ये बताओ कि कोई डचमैन की इंसुलेटर या पाई फैब्रिकेटर वेदर, बहुत सारी ऐसी वो आ रही थी, तो कुछ लोगों की जो है वो नीड तो पूरी हो गई, बट कुछ लोग हैं जिनकी अभी भी नीड पूरी नहीं हुई है, बट गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ पर आप ही के लिए हैं, आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं गाइस, ओके। सो दिक्कत की कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं भी आते हो तो कोई नहीं, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो शायद आपके काम आए, ओके। सो गाइस यहीं पर ख़त्म होती है हमारी आज की मुलाकात, फिर मिलेंगे हम आपके साथ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यूज़ के साथ, बट तब तक के लिए गाइस आपको वेट करना पड़ेगा हमारे अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज पर। एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, नीचे लाल दिए गए बटन पर क्लिक करना एंड बेल आइकन क्लिक करना एंड ऑल बटन दबाना, ताकि हमारी जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक के सबसे पहले पहुँचे, ओके गाइस, सो बाय, टेक केयर।